Find the real, find the real me. हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ना रात में पार्टी ख़त्म हुआ और हम लोग ना जैसे सोए उसके बाद, मतलब 12:30 गया था सोने में। और उसके बाद सोने के बाद ना सुबह, जैसे मतलब आज संडे है तो हम लोग सुबह में ना 9:30 के करीब में सभी लोग उठे। और उसके बाद उठने के बाद ना नाश्ता वास्ता मतलब रेडी करना था। मतलब ये चीज़ अच्छा होता है ना कि संडे को सबका छुट्टी रहता है, तो जैसे सैटरडे को पार्टी ख़त्म हुआ, संडे को हम लोग लेट तक अभी तक सोए हुए थे। तो बस अभी जैसे मतलब 9:30 में मेरी आँख खुली ना, फटाफट उठे और मतलब और कुछ समझ में नहीं आया तो हम बस पकौड़े का तैयारी कर लिया। मतलब चलो पकौड़े हल्का फुल्का खा लेंगे क्योंकि लेट तो ही गया, अब रोटी सब्ज़ी हम बनाएंगे नहीं। और संडे को वैसे भी कुछ रोटी सब्ज़ी नहीं बनाते, मतलब यही सब कुछ हल्का फुल्का रहता है। तो बस आज हम ना नाश्ते में पकौड़ी बनाए थे। पापा ना अभी नॉनवेज ला के रखे हैं तो वो उसको बनाना है। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे नॉनवेज, नहीं तो हम मतलब बना लेंगे, क्योंकि ना भीड़ भाड़ में ना वीडियो शूट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस अभी हम जा रहे हैं, मतलब नहा वहा लिए हैं, सब काम हो गया है, तो बस जा रहे हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे उसके बाद खाने में लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो बस अभी मेरा नहाना वहाना मतलब हो गया है, नहा कब का लिए हैं। लेकिन फिर नहाने के बाद ना हम खाना बनाने लगे थे, जैसे पापा नॉनवेज लाए थे तो बनाने लगे थे। तो अभी सारा मतलब हो गया है, खाना वाना बन गया है, यहाँ पे नॉनवेज बन गया है, यहाँ चावल दाल, मतलब बाबू के लिए दाल, बाबू क्या पापा भी खा ही लेते हैं तो दाल बनाए दिए हैं। और आज छोटी वाली दीदी ना शाम को वापस जाने वाली है, मतलब उनका बेटे का एग्ज़ाम वगैरह है ना, तो बस 2 दिन के लिए आए थे। तो बस अब मतलब शाम को वो निकलेंगे तो हम मिलते हैं, क्योंकि अब सब लोग आ रहे हैं तो मतलब खाना वाना खिलाना है। और थोड़ा वीडियो में ना मेरा कभी कभी लेट हो जा रहा है, मतलब देने में आप लोगों को, मतलब अपलोड करने में, क्योंकि ना जानते हैं घर में मेंबर बढ़ता है तो काम भी बढ़ जाता है। तो बस वही है, दिन भर उसी में लगे रहो थोड़ा, और बाबू का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो जो टाइम मिल रहा है उसको पढ़ाने में भी लगना है। तो चलिए देखते हैं, जितना होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएँगे। और यहाँ देखिए मौसम कितना मतलब अच्छा हुआ है, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश का मौसम आ रहा था। और मम्मी ना जैसे कल पार्टी वाला कपड़ा हम लोग धोए थे तो वो सब डालने जा रहे थे, तो यहीं पर हम लोग मना कर रहे थे कि मम्मी अभी नहीं डालिए, तो मम्मी बोल रहे हैं कि क्लिप लगा देंगे हवा में सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे, और दीदी भी मना कर रहे थे कि नहीं डालिए अभी, तो जो सूखा हुआ कपड़ा था उसको हम लोग उतार रहे थे। और देखिए अभी मम्मी कपड़ा डालेंगे ही, तो उसके बाद अभी हम मिलते हैं यहाँ शाम को। और यहाँ बन रही हमारी शाम की चाय, और चाय वाय पी के दीदी लोग निकलेंगे। मतलब खाना वाना तो कब का हो गया था, और खाना वाना का वीडियो हम नहीं बनाए क्योंकि अब खाना खिलाएंगे कि वीडियो बनाएंगे, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो बस अब और यहाँ पर बर्तन वर्तन सारा धो लिए हैं, तो बस चाय वाय पी के दीदी लोग निकलेंगे। और मतलब ट्रेन है उनका 5:30 से, ऐसे कुछ है। तो बस सबका चाय पानी हो गया है और अब दीदी निकलने का, दीदी लोग का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब जो होता है ना हम लोग का खोइछा, जैसे बेटी लोग जाती है या बहू लोग, तो घर से खोइछा मिलता है आँचल में, तो बस वही मम्मी यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद अब दीदी निकलेंगे। हट 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 यार, कर दो को अरे बैठिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। वो छोड़ेंगे तो बस अब दीदी लोग निकल गए हैं, और साथ में ना बड़ी वाली दीदी लोग भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे चाची लोग रहते हैं, तो वहाँ वहाँ लोग मिल लेंगे। वैसे दीदी लोग तो हम लोग को भी बोल रहे थे लेकिन हम फिर नहीं गए ना कि गाड़ी में जगह नहीं था।
तो अभी हो गया शाम और आप लोग देखें कि दीदी और जिया जी लोग मतलब गए, छोटी वाली दीदी और बड़े वाले लोग ना साथ में गए हैं वहाँ पे, मतलब जहाँ पे स्टेशन है ना वहाँ पे थोड़ा चाची का, मेरी छोटी चाची का घर है, तो बस वहीं पे थोड़ी देर मतलब घूमने के लिए, मिलने के लिए गए हैं, बस मिल उल के वो लोग रात तक आ जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग के यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग।